दोस्तों, अगर आपकी भी सिलाई मशीन बार बार धागा तोड़ती है तो इस वीडियो में मैं आपको इसका 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि लगभग 90% लोग यही गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका धागा बार बार टूट जाता है। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारी मशीन जो है किस तरीके से ये धागा तोड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम मशीन चला के आपको दिखाते हैं और आप ये देखेंगे तो हमारा जो धागा है टूट जाएगा। देखिए जैसे कि हम मशीन चला रहे हैं, ये देखिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो धागा है टूट गया है। तो इसका पहला सॉल्यूशन दोस्तों क्या होता है, जैसे कि दोस्तों अगर आपका जो मशीन का धागा है सुई की तरफ से यानी कि निडिल की तरफ से टूट रहा है तो इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी होगी। अगर आपका नीचे बाबिन की तरफ से टूट रहा है धागा तो इसके लिए आपको दूसरी सेटिंग करनी होगी। मैं आपको दोनों सेटिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम निडिल यानी कि सुई की तरफ वाली सेटिंग को करके दिखाएंगे। तो जैसे कि हमारा जो धागा है ये ऊपर से टूट रहा है, मतलब हमारा निडिल की तरफ से टूट रहा है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है, देखिए दोस्तों ये जो आपकी एक सेटिंग दी जाती है धागे को ढीला या फिर टाइट करने की, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों इसको बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तो आपका जो धागा है वो नहीं खींच पाता है सही तरीके से, इसी वजह से आपकी सुई में से ये बार बार टूट जाता है। तो जब भी आप धागे को लगाएं, अगर आपको ऊपर की तरफ से मशीन का ये जो निडिल होता है इससे धागा टूट रहा है तो आप इसको थोड़ा सा लूज कर लीजिए। जैसे कि आप इसको थोड़ा सा लूज करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो धागा ये टाइट हो रहा था ये ढीला होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद आपका जो समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। अब दूसरी समस्या दोस्तों ये आती है, कुछ लोगों का जो धागा होता है वो नीचे से टूटता है, मतलब नीचे की सिलाई टूट जाती है बार बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नीचे से बामिन निकालेंगे। तो सबसे पहले बामिन निकालने का जो तरीका है वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। बामिन निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो ये देखिए दोस्तों बामिन में से जो हमारा धागा आ रहा है ये भी बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, तो ये भी वजह होती है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको बामिन में एक यहाँ पर सेटिंग दी जाती है। देखिए आपको यहाँ पर एक स्क्रू टाइप का दिखाई देगा, पेंच टाइप का। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा लूज कर लेना है। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा टाइट कर रखा है तो आपका जो बामिन का जो चक्का होता है इससे आप इसको ढीला कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप इसको लगाएंगे और हल्का सा इसको आप ऐसे लूज कर लीजिए। जैसे कि आप इसको थोड़ा सा लूज करेंगे तो आपको जो धागा बहुत ज्यादा टाइट हो रहा था वो ढीला हो जाएगा। तो इसको हम हल्का सा घुमाएंगे, अपनी सेटिंग के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ज्यादा आप इसको छेड़छाड़ ना करें। हल्का सा आप इसको ढीला करने के बाद आप धागा लगाकर दोबारा देखेंगे तो आपका जो धागा है वो सही तरीके से खींचना शुरू हो जाएगा, मतलब टाइट हो रहा था तो वो ढीला हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको स्क्रूज की मदद से ढीला कर लिया है और ढीला करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से हम इस चक्के को लगाएंगे और आप तो ये देखेंगे, आप जो देख सकते हैं हमारा धागा बिल्कुल ढीला हो गया है, मतलब ये यहाँ से नहीं टूटेगा। तो अगर आपका धागा नीचे से टूट रहा था तब आप बामिन में ये छेड़छाड़ करें, वरना आप ना करें अगर आपका ऊपर सुई से टूट रहा था। तो मैंने आपको दोनों समस्या का समाधान बता दिया है। इस तरीके से अगर आपका कभी भी मशीन से धागा टूटता है, आपकी सिलाई बार बार टूट जाती है, तो इस तरीके से आप अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक प्रो टिप भी बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों आप जब भी सिलाई करते हैं तो आपको एक बात का रखना है, जब भी आप सिलाई स्टार्ट करें तो ये जो आपको आपका धागा दिखाई दे रहा है इसको आप बिल्कुल एक साथ रखें। देखिए इसमें ना नीचे का ढीला होना चाहिए ना ऊपर का टाइट, बिल्कुल एक साथ खींचने चाहिए। देखिए जैसे कि ये आराम से दोनों एक साथ खींच रहे हैं, इसी तरीके से अगर खींचेंगे तो कभी भी आपकी जो सिलाई है नहीं टूटेगी। ये आप एक बार सेटिंग करके देख लीजिए और इसके बाद आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी सिलाई मशीन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हुई है या नहीं। चलिए अब मैं आपको एक बार मशीन से सिलाई करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी जो सिलाई है अब ठीक आने लगी है, अब हमारी सिलाई यहाँ से नहीं टूटेगी। तो देखिए दोस्तों अब हमारी जो सिलाई है नीचे से भी बिल्कुल ठीक आ रही है और ऊपर से भी ठीक आ रही है, जो हमारी सिलाई मतलब तोड़ रही थी मशीन वो अब सिलाई नहीं तोड़ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ड्रेस डिजाइनर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।